नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरे YouTube वीडियो पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टॉक आइटम में हम कैसे समरी वगैरह देख सकते हैं। स्टॉक की समरी पर्टिकुलर जो हम टैली में हम काम करते हैं, जैसे हमें कुछ हम कोई जो भी आइटम परचेज करते हैं, फिर सेल करते हैं, रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा हुआ है, कितना बचा हुआ है, किस रेट की क्वांटिटी हमारे पास पड़ी हुई है, एक्स वाई जेड 10-12 आइटम्स होते हैं, तो वो कैसे हम उसको देख सकते हैं, कहाँ जा करके हम उसको चेक कर सकते हैं, कहाँ जा करके हम स्टॉक की समरी को प्रॉपर रिकनसाइल कर सकते हैं, वो आज की वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, तभी आपको वीडियो प्रॉपर समझ में आएगा। तभी आप स्टॉक का, जैसे सपोज कोई मैं पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको बता रहा हूँ, तो आप ए से लेकर जेड तक पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि बीच में इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो अगर स्किप हो गई तो मे बी, अगर सपोज आप कुछ अपने ट्यूटोरियल के हिसाब से एजुकेशन लेवल पे टैली पे प्रैक्टिस करते हैं, तो हो सकता है कि कॉन्फ़िगरेशन का कोई स्टेप, कोई टैब या कुछ कोई ऑप्शन आपसे मिस हो जाए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप वीडियो को अगर देखते हैं तो पूरा प्रॉपर तरीके से देखिए और स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टॉक समरी कैसे देखी जाती है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली, जैसे कि हम यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के पेज पे हैं ऑलरेडी, इसमें हमें सब एस टाइप करेंगे तो हम यहाँ पे स्टॉक की क्लोजिंग बैलेंसेस जो समरी होती है स्टॉक की, पूरी जितने भी स्टॉक हैं हमारे पास उनकी समरी आ जाती है। और अगर आप स्क्रॉल से जाना चाहते हैं तो ये आप स्क्रॉल से भी जा सकते हैं, एक स्टॉक समरी यहाँ लिखा हुआ है। फास्ट प्रोसेस के लिए हम ये कर सकते हैं, हमने एस प्रेस कर दिया, हम सीधे वहां पे पहुंच गए। या ब्लू आइकन्स देख रहे हैं, जैसे कहीं सी लिखा हुआ है, ऑल्टर लिखा हुआ है, एच लिखा हुआ है, ये इन वाउचर्स में, डे बुक में, बैंकिंग, इनमें सब में डायरेक्ट अल्फाबेट से पहुंचने का एक शॉर्टकट तरीका है कि आप जल्द से वहां पहुंच जाते हैं। तो स्टॉक समरी हमको देखनी है, हम स्टॉक समरी के पेज पे जाते हैं और यहाँ आप देख रहे हैं 5-7 एक आइटम मैंने बना के रखे हैं, ताकि मैं आपको उन पे स्टडी करके आपको स्टेप बाय स्टेप एग्जाम्पल के हिसाब से बताता जाऊं कि आपको समझ में आए। तो 5-7 कैटेगरी मैंने ऑलरेडी बना दी हैं, आप देख रहे हो, जैसे चना बना हुआ है, दलिया है, धनिया सॉरी, गार्लिक, हल्दी, मेथी, मिर्च, मूंगफली, सिंगदाना, ये 5-7 आइटम मैंने ऐसे ही ट्यूटोरियल के हिसाब से बनाए हैं। उसमें मैंने अपने हिसाब से एक एजम्पशन क्वांटिटी, एजम्पशन रेट लेकर के बनाया हुआ है, ताकि आपको मैं प्रॉपर तरीके से समझा सकूं। आप इसमें जो भी टैक्स की मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया हुआ है, अगर कोई आइटम का आप बनाते हैं तो जो भी टैक्स रेट उस पर एप्लीकेबल है आप वो देख करके फिर बनाइएगा। अगर आप जनरली या जेन्युइनली कहीं पे अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और अगर आप अभी टैली सीख रहे हैं, तो ये स्टेप्स जैसे मैं बता रहा हूँ वो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, जो स्टॉक जिस यहाँ पे यूनिट्स दिखा रहे हैं, क्वांटिटी, रेट्स, वैल्यू, ये क्वांटिटी है, कितने किलोग्राम हमारे पास मटेरियल बचा हुआ है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस मतलब आप देख रहे हैं 5 जनवरी ऊपर डेट डली हुई है, इसका मतलब ये है कि आपने 5 जनवरी तक जो टैली के अंदर एंट्रीज की हुई है उसका ये आपको दिखाएगा क्लोजिंग बैलेंस। अब हम किसी पर्टिकुलर अकाउंट में जाते हैं, जैसे हम चना को ले लेते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए एक अलग विंडो खुल जाता है। इस विंडो के अंदर आप देख रहे हैं इनवर्ड, आउटवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब ये है कि इनवर्ड का मतलब ये हुआ कि आपने कितनी क्वांटिटी, कितने कितनी बार परचेस किया ये आइटम और कितने किलो किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी और वैल्यू दो अलग अलग मेंशन हो रही हैं। और यहाँ पे आप सेकंड वाले कॉलम में आते हैं तो वहां लिखा हुआ है आउटवर्ड। आउटवर्ड का मेल मतलब होता है सेल, हमने कितना सेल किया। क्लोजिंग बैलेंस इन दोनों को लेस करते हुए जो रिमेनिंग बचता है हमें, उसको क्लोजिंग कहा जाता है। अब आप साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि ये तो हमारे पास इन और आउट की डिटेल है, जो रिमेनिंग है वो क्लोजिंग है, लेकिन आप सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर कंपनी में आप टैली का काम कर रहे हैं। अब उसके अंदर मान लीजिए, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं 2021, ये फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है वो
दैट इज 21-22। आप ऊपर देखिए, 1 अप्रैल 2021 से 5 जनवरी 2022, मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा है। आपको कोई ओपनिंग बैलेंस जो कि 20-21 फाइनेंशियल ईयर का क्लोजिंग होगा, वो 21-22 के लिए ओपनिंग होगा। वो ओपनिंग वाला मैं आपको बताना चाह रहा था। जैसे हम यहाँ विंडो की स्टॉक समरी की मेन विंडो पे हैं, इस मेन विंडो पे आप F12 प्रेस कीजिए और नीचे आप देखिएगा, यहाँ एक ऑप्शन दिखा रहा है शो ओपनिंग बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई 20-21 फाइनेंशियल ईयर का स्टॉक आपके यहाँ पे रिमेनिंग बचा हुआ है, उसको हमें यहाँ पे लेके आना है, या ऑलरेडी हम लेके आ चुके हैं, तो उसको पहले देखेंगे कि हम लेके आए हैं नहीं लेके आए। उसके लिए हमें यहाँ यस करना होगा और कंट्रोल ए से आप इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए, हम ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ला चुके हैं, और इनके जैसे ओपनिंग स्टॉक धनिया का हमने लिया हुआ है, हल्दी का लिया हुआ है, मेथी का लिया हुआ है, लेकिन हाँ गार्लिक का नहीं लिया हुआ है, चना का नहीं है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं, शायद वो मटेरियल स्टॉक में नहीं हो और शायद हम लेके नहीं आए। तो उसको लेके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर जाने की नीड नहीं है, यहीं से आप शॉर्टकट से कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करेंगे तो आप चना की कॉन्फ़िगरेशन वाली विंडो पे आ जाएंगे। इसमें आपको नीचे जा कर के जो भी आपके डेटा हैं, जो भी ओपनिंग बैलेंसेस हैं, मान लीजिए चना आपका 200 केजी था, रेट अपर मान लेते हैं इसको 50 रुपये वाला था, 10,000 के वैल्यू से इसको कंट्रोल ए कर दीजिए, सेव हो गया। यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए, ऑटोमेटिकली आ गया। तो ऐसे आप टैली में अपने डेटा को उसी विंडो पर खड़े होकर के कंट्रोल एंटर से शॉर्ट की से एडिट कर सकते हैं, न्यू डेटा क्रिएट कर सकते हैं, F12 के फीचर से आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसमें अगर आपको और कोई चीज़ समझनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं टैली पे कोई वीडियो बनाता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, गुड बाय।